डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, विश्व टीबी दिवस 2023। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य इस बीमारी के विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाना है, साथ ही वैश्विक स्तर पर टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें, विश्व टीबी दिवस 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। इस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के तत्वावधान में दुनिया भर में टीबी से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब इस दिवस से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो 1882 में इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु की खोज की घोषणा की थी। बता दें कि ये जीवाणु तपेदिक यानी टीबी का कारण बनता है। उनकी इस खोज ने तपेदिक के निदान और इलाज का रास्ता खोल दिया। यह दिवस डॉक्टर कोच की इसी खोज को सम्मानित करता है। पहला विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 1982 को मनाया गया था। चलिए अब जान लेते हैं तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के बारे में। टीबी या क्षय रोग दुनिया के सबसे घातक संक्रामक रोगों में से एक है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। यह हवा के जरिए पीड़ित व्यक्ति के खांसने, छींकने आदि से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। WHO के अनुसार 4000 से ज्यादा लोग हर दिन टीबी के कारण जान गंवा देते हैं। इसकी रोकथाम और इलाज संभव है।